नमस्कार, सिनेमा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। श्रद्धा मर्डर केस, आफ्ताब के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोप पत्र तैयार, 100 से अधिक गवाहों को बनाया गया था। जी हां, श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ जनवरी के आखिरी हफ्ते में आरोप पत्र दाखिल करेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने करीब 3000 पन्नों का आरोप पत्र तैयार कर लिया। इसमें 100 से अधिक गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को आधार बनाया गया। छतरपुर के जंगल से बरामद हड्डियों और डीएनए रिपोर्ट को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है। कड़ाके की ठंड से राहत के बाद अब बारिश का दौर, कई इलाकों में आज बरसात के आसार, 4 दिन येलो अलर्ट जारी। कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली तो शुरू हो गया प्रदेश में बारिश का दौर। बूंदाबांदी से शुरू हुई बरसात आने वाले समय में थोड़ी सी तेज भी हो सकती है और प्रदेश के लोगों को झंझावत का सामना भी करना पड़ सकता है। जी आपको बता दें कि कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को आज पूरे प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात होगी। मंगलवार से तेज हवाएं चलने के आसार है। 28 तक का ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं 25 तारीख को पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि के भी संकेत है। सीएम योगी ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण, बोले हमेशा उन्होंने क्रांति का मार्ग चुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिसके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, मगर इससे अतर उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम के भाव को सदैव निखार सके, उसके वे सदैव पक्षधर थे। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम, 5 साजिशकर्ताओं के खिलाफ केस। जी आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने 26 जनवरी से पहले पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की साजिश को नाकाम किया है। इसकी साजिश बब्बर खालसा और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के 4 आतंकी और जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया ने रची थी। पांचों के खिलाफ एसएसओसी ने आतंक विरोधी गतिविधियों और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर हरियाणा सरकार सख्त, 8 साल में 48 अधिकारियों को किया नौकरी से बाहर। जी आपको बता दें कि हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। पिछले 8 साल में हरियाणा सरकार ऐसे 48 अधिकारियों व कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इनमें कई पर सरकार की गाज गिरी तो कुछ ने मजबूरी में समय से पहले ही सेवानिवृत्त ले ली। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ साथ देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।